हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रकृति के रंग। और आज हम बनाने वाले हैं पिंडी छोले, जो कि बहुत ही लो ऑयल में बनेंगे और बहुत टेस्टी है। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना है गैस का फ्लेम ऑन, और क्योंकि छोले थोड़े काले होते हैं, देखने में उनका लुक थोड़ा काला होता है, तो उसके लिए मैं करती हूँ एक पतीले में या जिस किसी भी बर्तन में आप पानी डाल दीजिए, जितना कि आपको छोले बॉईल करने के लिए ज़रूरत हो उतना पानी डालिए। और अब आप इसमें डालिए चाय पत्ती और इसको बहुत अच्छे से उबाल लीजिए। तो फ्रेंड्स, जब तक ये उबल रही है तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए, अब ये उबल चुकी है, तो अब हम गैस के फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। आप डायरेक्ट कुकर में भी स्ट्रेन कर सकते हैं इस पानी को। और ये चाय पत्ती को ना आप अलग निकाल लीजिए और इस चाय पत्ती को फेंकिएगा मत। इस चाय पत्ती को आप अपने किसी भी पॉट वॉट में डाल दीजिएगा ठंडा होने के बाद। ये बहुत यूज़फुल होता है, उनकी ग्रोथ में हेल्प करता है। तो अब आप इसमें कुकर चढ़ा के डालिए अपने सोक्ड किए हुए छोले, जिसे कि आपको मिनिमम 6 to 8 आवर्स के लिए सोक करना है। अगर आपको कभी इमरजेंसी या थोड़ा जल्द कम टाइम में सोक करना है, तो आप उसको गर्म पानी के अंदर सोक कीजिएगा। गर्म पानी के अंदर थोड़ा क्विक प्रोसेस होता है सोक करने का, पर फिर भी फ्रेंड्स आप 4 घंटे तो तभी भी सोक कीजिएगा ही। अब इसमें स्ट्रेन करके डाल लीजिए वो पानी और छोले डाल के। और कुकर में अब हमें कुछ चीज़ें और डालनी है उसको बॉईल करने के लिए। तो उसमें हमें डालना है गरम मसाला, कुछ खड़े गरम मसाले जैसे कि दालचीनी, लौंग, इलायची। तो इसमें क्या क्वांटिटी किस चीज़ की कितनी रहेगी वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, किस चीज़ की कितनी क्वांटिटी रखनी है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब कुकर बंद करते हैं। और इसको मैं मीठे सोडे का यूज़ नहीं करती हूँ, तो आप चाहे तो मीठे सोडे का यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कीजिएगा क्योंकि वो हेल्दी नहीं होता है। तो आपको विदाउट मीठा सोडा 5 से 6 सीटी लगानी है। 5 से 6 सीटी में ये सफिशियंट कुक हो जाता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आप इसको कुक आप इसमें सीटी लगाइए 5 से 6 सीटी, और उसके बाद आप फ्लेम बंद कीजिए और उसको आराम से ठंडा होने दीजिए। तो फ्रेंड्स, जब तक हमारे छोलों में सीटी लग रही है तब तक चलिए हम सूखे मसाले तैयार कर लेते हैं। उसके लिए आप एक कोई भी कटोरी या कोई सा भी बर्तन लीजिएगा, उसमें डालना है आपको 1 चम्मच नमक या अपने स्वाद के अनुसार नमक, और नमक हल्की सी कम रखिएगा, अभी स्वाद के अनुसार से बिल्कुल हल्की कम रखिएगा क्योंकि हमें इसमें अभी थोड़ा काला नमक भी डालना है। 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। मेरे पास होता है, आपके पास नहीं हो तो आप रोस्ट करके डाल लीजिएगा। रोस्ट करते टाइम अगर आप रोस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको थोड़ा मेथी दाना भी डालना है, 1/2 चम्मच मेथी दाना डाल लीजिएगा। दोनों को साथ में रोस्ट करके उसका पाउडर बना लीजिएगा। 1 चम्मच रोस्टेड अनार दाने का पाउडर, 1 चम्मच अमचूर पाउडर और 1/4 चम्मच काला नमक। तो फ्रेंड्स, ये हैं हमारे सूखे हुए मसाले, और अब इनको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। ये हमारे सूखे मसाले हो गए हैं। बाकी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो हमको लेना है आप ले सकते हैं 1 प्याज, बड़े साइज़ का प्याज लीजिएगा, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लीजिएगा और इनको अच्छे से पीस लीजिएगा। और अब हमारे छोले भी पक चुके हैं, तो अब आप इसे किसी भी जाली वाले बर्तन में ट्रांसफ़र कर लीजिएगा, जैसे मैंने तो एक टोकरी में ही ट्रांसफ़र कर लिया है। और ये साफ़ सुथरा होना चाहिए क्योंकि ये पानी हमें बाद में यूज़ में आने वाला है। और इसमें जितने भी खड़े मसाले हैं आप उसको निकाल के डिस्कार्ड कर दीजिए क्योंकि ये अपना काम कर चुके हैं। और अब हम चढ़ाएंगे एक कढ़ाई, कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद आप इसका फ्लेम थोड़ा मीडियम कर दीजिएगा क्योंकि अभी हमें इसमें डालना होगा जीरा, नहीं तो वो तुरंत में जल जाएगा। तो फ्लेम को कम कर अब आप इसमें डाल लीजिएगा 1.5 चम्मच ऑयल। आपको ज़्यादा ऑयल डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लो ऑयल कुकिंग ही करने वाले हैं, जिससे कि खाना हेल्दी भी रहे। अब आपको इसको तेल को जब हल्का हीट हो जाएगी तो अब आपको मीडियम फ्लेम पे करके इसमें डाल देना है आपको अपना जीरा। जीरा जैसे ही हल्का पॉप हो जाए आपको अपने पिसे हुए प्याज डाल देने हैं इसमें, और आपको इसको थोड़ा अच्छे से रोस्ट कर लेना है। तो आप इसको हल्का सा रोस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना। आपको इसको रोस्ट करना है सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए क्योंकि ये बहुत ही झटपट बन जाते हैं छोले, और रेसिपी बहुत हार्ड टफ नहीं है।
तो आप इसको 2-3 मिनट या 4 मिनट तक के लिए इसको रोस्ट कीजिए। इसका कलर हल्का हल्का चेंज होने लगेगा। अब आपको इसमें डालना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैंने तो रेडीमेड पेस्ट यूज़ किया है, आप चाहे तो फ्रेश पेस्ट बना के इसमें यूज कर सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा नहीं, बस 1 चम्मच सफिशियंट होता है। और अब आप इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए कि इसका जो भी कच्चापन होता ना ये निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आपको 2-3 मिनट तक अब और रोस्ट करना है, जो कि प्याज अदरक और लहसुन ये सब मिक्स करते हुए आपको रोस्ट करना है 2-3 मिनट के लिए। और फ्रेंड्स, तो अभी अच्छे से मेरा रोस्ट हो चुका है। अब इसमें डालिएगा आपने पिसे हुए टमाटर, और टमाटर डालने के बाद आप इसको थोड़ा और अच्छे से रोस्ट कीजिएगा कुछ देर के लिए। आप चाहें तो सूखे मसाले जब आप बनाते हैं उस समय पे नमक स्किप कर सकते हैं, और वो नमक आप इस स्टेज पे भी डाल सकते हैं। तो आपको जैसे अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हैं। और अब मैं इसे भी रोस्ट होने दूंगी अच्छे से, तो इसे ढक के आप पका लीजिएगा, और बीच बीच में चलाते रहिएगा जिससे कि ये नीचे चिपक के जल ना जाए। तो जब तक ये रोस्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी कि जल्दी से जल्दी मैं वो तैयार करके आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँ। फ्रेंड्स, तो अब मेरे टमाटर भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं। हल्का हल्का सा ही ऑयल दिखेगा आपको, ज़्यादा ऑयल सेपरेट नहीं दिखेगा, क्योंकि हमने ऑयल डाला ही बहुत कम है। और अब आप इसमें आपने सूखे मसालों को भी डाल के, वो पहले से काफ़ी चीज़ें सारी भुनी हुई है, तो आपको इसको ज़्यादा देर के लिए रोस्ट नहीं करना है। 1 मिनट भी सफिशियंट है। आप इसको मिक्स करते हुए, अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट से 1.5 मिनट तक के लिए रोस्ट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये भी रोस्ट हो चुका है। अब हम आप इसमें डालेंगे अपने उबले हुए छोले। आप इसमें छोले डालिए, इनको मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको भी भूनना है आपको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक के लिए, कि मसाले इसमें से अच्छे से मिक्स होके स्टिक हो जाएं, कि इनमें थोड़ा थोड़ा फ्लेवर आ सके, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही मसाले अलग रहे हैं। अब हम इसमें डाल लेंगे अपने पानी को। ये वही पानी है जो कि हमने बॉईल किया था चाय पत्ती के साथ छोले उबालने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये पानी बहुत ही टेस्टी होता है, क्योंकि इसमें चाय पत्ती का फ्लेवर और इसके साथ में छोले का फ्लेवर और इसमें गरम मसाले जो हमने डाले थे वो सारे फ्लेवर्स होते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से साफ़ करके ही डालिएगा, कि जिससे कि ये पानी वेस्ट ना हो और ये पानी आपको कर यूज़ हो सके। और आप और अब आप इसमें से आपको कुछ छोलों को, आपके पास जो भी हो उससे आपको अच्छे से कुछ छोले मैश करने हैं, सारे मैश नहीं करने। इससे क्या होगा ना कि हमारी ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है, और ये मिक्स होते हुए से बहुत अच्छे से छोले पानी में, इसकी ग्रेवी में फ्लेवर छोड़ता है, और छोले बहुत अच्छे से थिक और गाढ़े हो जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही करके आपको अपने छोले तैयार कर लेने। छोले तो हो चुके हैं तैयार, पर ये अभी कंप्लीट छोले नहीं हैं। इसके साथ अभी हम लगाएंगे अभी एक बहुत ही तड़का, जो कि इसके फ्लेवर को बहुत ही ज़्यादा कर देते हैं इन्हेंस। तो अब आप इसको ढक के पकाइएगा 5 से 7 मिनट के लिए, आपको इसको ढक के पकाना है। फ्रेंड्स, हमारे छोले पक के तैयार हो चुके हैं। अब आप इसको ढक्कन ढक दीजिए अच्छे से, और चलिए अब हम तैयार करते हैं इसके लिए अपना तड़का। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरह का कलछुल, हम लोग इसे बोलते हैं, तो मैंने ये ले लिया। इसको गैस पे डायरेक्ट ही चढ़ा दिया है। इसमें डालेंगे हम 1 से 1.5 चम्मच घी, और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले भी ऑयल बहुत कम ही यूज किया था। तो आप इसमें डालिए 1 से 1.5 चम्मच घी, और उसके बाद आपको इसमें डालना है लंबी कटी हुई सी मिर्चियाँ, और अगर आप लोग लहसुन खाते हैं तो 4-5 लहसुन की कलियों को बारीक बारीक काट लीजिएगा, वो फ्लेवर और इन्हेंस करता है। उसको भी इसमें डाल के थोड़ा सा पकने दीजिएगा। और उसके बाद अब हम इसमें डाल देंगे हल्का सा जीरा पाउडर और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर। पर फ्रेंड्स, जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर आप बिल्कुल लास्ट स्टेज पर डालिएगा, जब आपको गैस का फ्लेम ऑफ करना हो और आपकी लहसुन मिर्च पक चुकी हो, क्योंकि वो भुने हुए होते तो वो नहीं तो जल जाएगा, ये तड़का आपका जल जाएगा। उसको डालते ही आप कर दीजिएगा अपना गैस बंद। और फ्रेंड्स, ये तड़का आपको डाल देना है अपने ऊपर, छोले के ऊपर पूरे फैलाते हुए। तो फ्रेंड्स, ये हमारे छोले बिल्कुल तैयार हैं, आप देख सकते हैं कि छोले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। अब आप इन्हें भटूरे, नान या चावल किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।